दोस्तों, आप लोगों ने बहुत से ऐसे जानवर देखे होंगे जो काफी ज्यादा खतरनाक होते हैं। इनमें से कुछ जानवर तो ऐसे होते हैं जो इंसानों की जान तक ले लेते हैं। इन जानवरों को काबू करना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। लेकिन दोस्तों, आपने ये देखा होगा, ये तो सिर्फ बड़े जानवर ही होते हैं जो इंसानों पर हमला कर देते हैं और इंसानों की जान ले लेते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसे छोटे जीवों के बारे में सुना है जो दिखने में किसी आम चींटी की तरह दिखाई देते हैं, लेकिन फिर भी ये इतने ज्यादा खतरनाक होते हैं कि इंसान की जान लिए बिना उनको नहीं छोड़ते। अगर आप भी ऐसे जीवों के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारी वीडियो के एंड तक बने रहें। साथ ही वीडियो पसंद आए तो लाइक तो कर दो। नंबर एक, बोट फ्लाई। दोस्तों, ये एक प्रकार का छोटा सा कीड़ा है जो इंसान के शरीर के अंदर तक चला जाता है और इंसान के अंदर छोटे छोटे छेद करना शुरू कर देता है, जिसके बाद इंसान दर्द से तड़पने लगता है। और ये अगर इंसान के शरीर में चला गया तो 2 महीने के बाद ही शरीर का पीछा छोड़ता है। इसके शरीर को पूरी तरह से खोखला कर देता है। हम आपको बता दें कि ये मांसाहारी कीड़ा होता है जो इंसान का मांस खाना पसंद करता है, इसी वजह से इंसान की मौत भी हो जाती है। नंबर दो, ब्राउन रिक्लूज स्पाइडर। दोस्तों, ब्राउन रिक्लूज स्पाइडर 2 साल तक जिंदा रहती है। ब्राउन रिक्लूज स्पाइडर की खास बात यह है कि ये 6 महीने तक बिना किसी भोजन के जिंदा रह सकती है। हम आपको बता दें कि इसके काटने पर तुरंत दर्द नहीं होता, बल्कि धीरे धीरे वक्त के साथ साथ इसका दर्द बढ़ता जाता है। जांच में पाया गया है कि इनमें हीमोटॉक्सिक नाम का जहर होता है। ये जहर काफी खतरनाक माना जाता है। इनके काटने पर उल्टी, बुखार, मांसपेशियों और जोड़ों में दर्द शुरू हो जाता है। अगर इसका जहर ज्यादा फैल जाए तो इंसान की मौत निश्चित है। नंबर 3, बुलेट एंट। बुलेट एंट ऐसी एंट है जो ऑस्ट्रेलिया के वर्षा वनों में ही नहीं बल्कि शहरों में भी पाई जाती है। इस चींटी की खोज 1793 में हुई थी। आज इसकी करीब 90 प्रजातियां पाई जाती है। इस चींटी की खास बात यह है कि काटते समय ये अपने दांतों और स्टिंग दोनों का इस्तेमाल करती है। ये खतरा महसूस होने पर अपने शिकार को एक साथ कई बार काटती है और अपने स्टिंग की मदद से न्यूरोटॉक्सिन पोनेरेटॉक्सिन जहर शिकार के शरीर में छोड़ देती है। इस आक्रामक हमले से शिकार छटपटा जाता है। दर्द आमतौर पर 10 से 12 घंटे तक बना रहता है। अगर इसका इलाज ना किया जाए तो ठीक होने में कम से कम 24 घंटे लग जाते हैं। नंबर 4, किलर बी। दोस्तों, आप लोगों ने मधुमक्खियां तो बहुत सी देखी होगी, लेकिन ऐसी मधुमक्खी शायद ही आपने कहीं देखी हो। जी हाँ दोस्तों, आम मधुमक्खियां काटने के बाद शरीर को सुजा देती हैं, लेकिन ये मधुमक्खी ऐसा नहीं करती। ये इंसान को मौत की नींद सुलाने में काम आती है। हम आपको बता दें कि ये मधुमक्खी अफ्रीका में पाई जाती है। ये लाखों के झुंड में रहती है और ये काफी ज्यादा आक्रामक होती है। अगर ये किसी पर हमला कर दे तो उसकी जान लेकर ही उसका पीछा छोड़ती है। ये सबसे पहले नाक, आंख और कान पर हमला करती है। इसके डंक में भयानक जहर भरा होता है और इंसान को मौत की नींद सुला देता है। इसी वजह से ये मधुमक्खी काफी ज्यादा खतरनाक है। नंबर 5, पस कैटरपिलर। दोस्तों, खूबसूरत सा दिखने वाला जीव काफी ज्यादा खतरनाक है। हर कोई इसके बालों को देखकर इसकी ओर आकर्षित होता है, क्योंकि इसके बाल इतने ज्यादा खूबसूरत है कि हर कोई इन्हें छूना चाहेगा। लेकिन अगर आपको ये जीव कहीं भी दिख जाए तो आप इसे छूने की गलती मत कीजिएगा, क्योंकि इसके बाल दिखने में भले ही खूबसूरत नजर आते हो, लेकिन खूबसूरत होने के साथ साथ काफी ज्यादा खतरनाक भी होते हैं। हम आपको बता दें, इसके बालों में एक खास तरह का जहर लगा होता है, जिसकी वजह से अगर कोई इंसान इनको छू ले तो इसके बालों का जहर तुरंत इंसान के शरीर में पहुंच जाता है, जिसकी वजह से इंसान की मौत हो सकती है और मौत से पहले इंसान को भयानक दर्द से जूझना पड़ता है। दोस्तों, इनमें से कौन सा जीव आपको सबसे ज्यादा खतरनाक लगा, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। साथ ही इमिस शर्मा और इमरान अहमद हमारे 2 ऐसे व्यूअर हैं जो हमें प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं। अगर आप भी चाहते हैं अगली वीडियो में आपका नाम लिया जाए तो हमें कमेंट कर दीजिए। साथ ही इंटरेस्टिंग वीडियोज देखने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए।